नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एग्जाम को कैंसिल करने के रिगार्डिंग पटीशन की सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जो UGC की गाइडलाइन थी उनको क्वेश्चन करने से मना कर दिया है, यानी कि हमारे देश के अंदर अब एग्जाम होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को कैंसिल करने से मना कर दिया है। दोस्तों, जो इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने गाइडलाइन इशू की थी उसके अंदर ये बात बोली गई थी कि 30 सितंबर से पहले पहले सभी यूनिवर्सिटीज को, सभी स्टेट या फिर सभी यूनियन टेरिटरी को अपनी स्टेट के अंदर, अपनी यूनियन टेरिटरी के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ेंगे जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर के हैं, तो वो वैसे के वैसे ही एग्जाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम के ऊपर रोक लगाने से मना कर दिया है। यह आज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी बात बोली है कि कोई भी स्टेट, कोई भी यूनियन टेरिटरी किसी भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट नहीं कर सकती है विदाउट एग्जामिनेशन एज ऑर्डर्ड बाई UGC। मतलब कि जो UGC ने गाइडलाइन इशू की थी कि आपको 30 सितंबर से पहले पहले एग्जाम करवाने पड़ेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम होंगे और कोई भी स्टेट, कोई भी यूनियन टेरिटरी किसी भी स्टूडेंट को जो फाइनल ईयर का है उसको प्रमोट नहीं कर सकती है। हालांकि स्टेट और यूटी के पास ये पावर होती है, ये लिबर्टी है कि वो UGC को अप्रोच कर सकती है एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए, लेकिन वो एग्जाम को ना तो कैंसिल कर सकती है और ना ही किसी स्टूडेंट को प्रमोट कर सकती है, जो UGC की गाइडलाइन के अंदर बात बोली गई थी। हालांकि बहुत सारी बातें इस केस के अंदर हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी बहस इस केस के रिगार्डिंग हुई है, वो सारी बातें क्या हैं आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को कैंसिल करने से मना कर दिया है। ये आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है। तो दोस्तों, यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर सुझाव है वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।